ड्रग रैकेट में गिरफ्तार तस्कर राजा कंदोलानी अदालत से बाहर आने के बाद बड़ा बयान दिया। राजा पहले मीडिया और फिर पुलिस पर बरसा। राजा ने कहा कि मीडिया उसके परिवार का पीछा करना बंद कर दे। क्या कभी मीडिया ने पुलिस से पूछा है कि राजा कंदोला से बरामद 200 करोड़ रुपए की आईस अब तक अदालत में क्यों नहीं पेश कर सकी? बस मीडिया उसके परिवार के पीछे पड़ा है। कंदोला का दावा है कि पुलिस ने उससे कोई 200 करोड़ की आईस बरामद नहीं की। अगर पुलिस ने पकड़ी थी तो अब तक अदालत में पेश क्यों नहीं की? उसका ये भी कहना है कि जिस दिन पुलिस ने अदालत में 200 करोड़ की आईस पेश कर दी वह उसी दिन सुसाइड कर लेगा। पुलिस के अनुसार राजा कंदोला ने आज जलंधर अदालत में पेश होते वक्त मीडिया और पुलिस के साथ बदसलूकी की और पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से पुलिस को जबरदस्ती करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार राजा कंदोला पर आज कानून की धारा 353-186 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जलंधर से बिकी कंबोज। मैं तो 200 करोड़ की आईस पर किसी कोर्ट पेश हुई हो तो मैं फाहा ले लूंगा। इतने ये लिखो तो सही यार, मैं तो बोल रहा हूं इधर किसी कोर्ट पेश की हुई दिखालता दो। राजा कंदोला पेशी से मुलाजम लै के आया कपूरथले तो थले उतर के कोर्ट जाने कहा, पर इनकारी की फिर उन्होंने कहा भी नहीं जाने पैना तेन। फिर इन्होंने मुलाजम ने धक्का मुक्की की, मुलाजम ने उठा लिया वर्दी पाटती और इस संबंध में फिर अं काम करना बंद किया 353-186 का। 353-186 इन्हें कोशिश की है भजन की भी, हिरासत में भजन की भी कोशिश की है, लेकिन ये नाकामयाब रहा। तो वो संबंध में मुकदमा दर्ज किया। श्री अपने तरनजीत सिंह नाकाम जसर साहब की कोर्ट पेश किया गया है। रणजीत सिंह, राजा कंदोला, सुखजिंदर सिंह, बेली सिंह ते रजवंत कौर। हाँ जी, तो अगर सर की अपनी कर रही है अगर जुडिशियल कस्टडी भेजता जाए सर ने जुडिशियल 14 दिन की।